शिवसेना किसकी होगी, शिंदे की या ठाकरे की, इस पर सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ गठित करने का मूड बनाए हुए हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी इस मामले में सुनवाई के लिए दोनों गुटों को नोटिस दे दिया है। आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को 8 अगस्त तक पार्टी में अपने दावे से संबंधित दस्तावेज जमा करने को कहा है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों की पार्टी में विवाद पर अपना लिखित स्टेटमेंट देने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उपजे शिंदे पर संकट पर दोनों गुटों को आमने सामने आ गए हैं और शिवसेना के पास पार्टी के 55 में से 40 विधायकों और 18 लोकसभा सांसदों में से 12 का समर्थन है। वही ठाकरे गुट पार्टी के कार्यकारिणी के समर्थन का दावा पर अपना पक्ष मजबूत किए हुए हैं। शिवसेना किसकी होगी, शिंदे गुट की या ठाकरे गुट की, इस पर सुप्रीम कोर्ट अब मंथन कर रहा है, मूड बनाने को तैयार है। आपको बता दें कि जो इसी बीच उन्होंने चुनाव आयोग ने इस मामले पर दोनों गुट को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को 8 अगस्त तक का दस्तावेज जमा करने के लिए उन्होंने आदेश दिया है।